नारनौल के न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मालवाहक ट्रैक के पूरे प्रोजेक्ट को 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना के दिल्ली स्थित कॉरपोरेट ऑफिस के महाप्रबंधक MS हाशमी ने बताया कि ये दो तरह के कॉरिडोर हैं, एक ईस्टर्न और दूसरा वेस्टर्न कॉरिडोर होगा। वेस्टर्न दादरी से JNPD तक है, जबकि ईस्टर्न कॉरिडोर दादरी से दानकुडी व खुजा से लुधियाना तक है। इसमें ईस्टर्न की लंबाई 1875 किलोमीटर है, जबकि वेस्टर्न की लंबाई 1506 किलोमीटर है। और किशनगढ़ से एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। हमारा दो कॉरिडोर है, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो दादरी से JNPD तक है और ईस्टर्न कॉरिडोर दादरी से दानकुनी और खुर्जा से लुधियाना, ऐसा है। और 1875 किलोमीटर का सेक्शन है ईस्टर्न का और 1506 किलोमीटर वेस्टर्न कॉरिडोर का है। इस मौके पर पहुंचे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि इस कॉरिडोर के शुरू होने से दक्षिणी हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे सड़कों पर दौड़ने वाले मालवाहक ट्रकों में कमी आएगी और ट्रांसपोर्टेशन के किराए में भी राहत मिलेगी। एक ही ट्रैक था जिस पर पैसेंजर ट्रैक ट्रेन और गुड्स ट्रेन इकट्ठी चलती थी, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट बहुत होती थी। इसका दोहरा फायदा होगा, एक तो पैसेंजर ट्रेन समय पर पहुंच पाएंगी और दूसरा जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है, खासकर बम्बई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वहां पर आज भी लगभग 10,000 ट्रक के आसपास मटेरियल आता है। एक साइड का अप डाउन तो और ज़्यादा हो जाता है। सारे रोडों पर केवल ट्रक से सामान आता था, इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे सारा का सारा गुड्स इस रेलवे के ऊपर आ जाएगा।